श्री देवी के निधन को करीब पाँच महीने होने वाले हैं। यह समय बोनी कपूर सहित उनकी दोनों बेटियों खुशी और जाहनवी के लिए काफी मुश्किल भरा रहा इस बीच जह्नवी की डेब्यू फिल्म तड़क के बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स से पूरे कपूर खानदान में खुशी की लहर है इस दौरान बोनी कपूर ने हाल ही में एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया और बताया कि श्रीदेवी और मोना कपूर के बाद उनकी जिंदगी में कौन से बड़े बदलाव आए हैं। बोनी कपूर ने धड़क रिलीज होने के बाद स्पॉट बॉय को इंटरव्यू दिया और जिंदगी से जुड़ी कई बातें शेयर की बोनी कपूर ने कहा मोना और श्रीदेवी की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया है इतना जरूर है कि मुसीबत के इन पलों ने मुझे मज़बूत जरूर बना दिया है अब मैं किसी भी परिस्थिति से लड़ने को तैयार हूं। जहा नवी की फिल्म सड़क की बात करते हुए बोनी कपूर ने कहा सड़क को मिल रहे रिस्पॉन्स ऐसी बेहद खुश हूँ मैंने और श्रीदेवी ने दुबई जाने ऐसी पहले इस फिल्म के कुछ हिस्से देखे जिससे इतना तो पता चल गया था कि वह आगे भी अच्छा काम करेगी मैं जाहनवी के साथ हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन इस बात का सुकून है कि कारण जौहर उनका ध्यान रखेंगे पोनी कपूर ने आगे कहा अर्जुन बहुत समझदार है और चारों बच्चों एक साथ है अर्जुन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है श्रीदेवी के निधन के बाद वह सब कुछ छोड़कर सीधे मेरे पास दुबई पहुंच गया था इस बीच चुनशिला ने जहनवी और खुशी का ध्यान रखा था सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि मेरे सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं आपको बता दें श्री देवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर और शिक्ला की नजदीकिया नवी और खुशी के साथ बढ़ गई है अक्सर इन चारों को एक साथ देखा गया यहाँ तक की अर्जुन ने जहनावी की सड़क रिलीज होने आरोप सोशल मीडिया आरोप भावुक पोस्ट भी किया था सड़क रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही जहनावी खुशी और इंशाला मुंबई के रिस्तरा के बाहर भी देखे गए थे कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें रोजाना ऐसी ही मजेदार और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद